छोड़ा गया तो इसका नतीजा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तबाह होगा और पूरा पश्चिमी प्रशांत अस्थिर हो जाएगा। ताइवान अगर अपनी रक्षा करने में नाकाम रहता है तो यह केवल ताइवान के लोगों के लिए विनाशकारी नहीं होगा, बल्कि इससे सुरक्षा की वो दीवार गिर जाएगी जो 7 दशकों से शांति और असाधारण विकास के लिए खड़ी थी। विश्लेषकों के बीच बहस है कि यह खतरा आखिर कितना वाजिब है। इसी हफ्ते टकराव बढ़ चुका है और इसने कई देशों के कान खड़े कर दिए हैं। कुछ ही दिन पहले जापान के विदेश मंत्री ने कहा था, बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी इस पर टिप्पणी की गई। दोनों देशों ने कहा कि चीन तनाव कम करे और बल का प्रयोग ना करे। विश्व की एक महाशक्ति चीन के सामने ताइवान, साल 2005 में चीन ने अलगाववादी विरोध कानून पारित किया था जो चीन को ताइवान को बलपूर्वक मिला लेने का अधिकार देता है। उसके बाद से अगर ताइवान अपने आप को स्वतंत्र लाख की आबादी वाले ताइवान पर उनका प्रभुत्व रहा हिस्सा मान लेता है तो उसे स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी। ताइवान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जाहिर है कि यथास्थिति में चीन ज्यादा ताकतवर है और इस वजह से